लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जाने वाले चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जलवा एक बार फिर से कायम दिखा है। पीएम मोदी का जादू, अमित शाह का माइक्रो मैनेजमेंट रंग लाया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी फिर से पूर्ण बहुमत के साथ जीती है। राजस्थान में बीजेपी ने कमाल किया है। वहीं छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हो गया है। बात तेलंगाना की करें तो यहां पर भी बीजेपी ने बड़ी बढ़त हासिल की है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पाले में सिर्फ एक सीट आई थी, लेकिन इस बार बीजेपी 9 सीटें जीत गई है। चारों राज्यों के रिजल्ट को अगर सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाए तो फाइनल यानी कि 2024 का मुकाबला पूरी तरह से बीजेपी के पाले में दिख रहा है। तीन राज्यों के चुनाव में जीत पर न्यूज 18 से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खास बातचीत की और कहा कि आज के नतीजे से यानी कि जो कल नतीजे आए हैं उनसे वो संतुष्ट हैं। साथ ही स्पष्ट ये हो गया है कि 2024 के चुनाव से पहले जनता के मन की बात सामने आ गई है। ये इस बात का प्रमाण है कि 2024 में पीएम मोदी के नेतृत्व में फिर से बीजेपी की जीत होगी। ये नतीजे सुशासन की जीत है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह से सनातन का विरोध किया था उससे कांग्रेस की विदाई तय थी। आज के नतीजों से एक बात स्पष्ट हो गई है कि जनता के मन की बात 2024 से पहले आ गई है। ये नतीजे इस बात का प्रमाण है कि 2024 में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है और ये नतीजे सुशासन की जीत है। ये नतीजे गरीब कल्याण जो योजना चली है, गरीब कल्याण के लिए जो काम हुआ है उनकी जीत है और इन राज्यों की जनता ने चाहे मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकार पुनः रिपीट हुई है ये सुशासन है, डबल इंजन है और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की विदाई होना ये कहीं न कहीं सनातन के विरोध में सनातन के विरोध की राजनीति को जनता ने बाहर किया है। इसके साथ साथ परिवारवाद की राजनीति को बाहर किया है और साथ ही साथ तुष्टीकरण करने वालों को भी करारा जवाब दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिली जीत के बाद बीजेपी का जश्न जारी है। देहरादून में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया, आतिशबाजी की, मिठाइयां बांटी। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिली इस जीत से ये सिद्ध हो गया है कि मोदी का जादू अभी बरकरार है। जोशी ने कहा कि जब जब विपक्ष ने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया तब तब जनता ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। चुनावी राज्यों के ताजा परिणाम बताते हैं कि 2024 में भी बीजेपी ही परचम लहराएगी। कर दिया है कि नरेंद्र मोदी जी का मैजिक बरकरार है और वहीं नड्डा जी व अमित शाह जी का कुशल नेतृत्व जहां भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता को बरकरार रखते हुए भारी बहुमत हासिल किया है, वहीं छत्तीसगढ़ व राजस्थान में हमने विजय प्राप्त की है और जब जब पप्पू ने प्रधानमंत्री जी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया उसका जवाब तब तब जनता ने दिया है। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिली जबरदस्त जीत के बाद जहां कांग्रेस ऑफिस में सन्नाटा पसरा रहा वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। एक एक करके बीजेपी नेता प्रदेश कार्यालय पहुंचे। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत बताते हुए कहा कि उनके साथ सबका विकास की नीतियों का ही ये परिणाम है। विश्व के लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को नेता के रूप में, बीजेपी को नीति के रूप में और हमारे नेतृत्व की नियत को, इन तीनों चीजों को, नेता, नीति और नियत, इस पर अपनी मोहर लगाइए और ये बता दिया है कि देश चलेगा मोदी गारंटी पर।
तीन राज्यों में मिली बम्पर जीत से बीजेपी उत्साहित है। हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया है। इस दौरान बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते हुए दिखाई दिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से पीएम मोदी के लिए जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये जीत 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। आने वाले लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पार्टी को 2019 से भी बड़ी बंपर जीत मिलने जा रही है। चार राज्यों के चुनाव परिणाम उत्तराखंड कांग्रेस को एक बार फिर झटका दे गए। झटका इसलिए भी कि उत्तराखंड के चार सीनियर लीडर को इन चुनावों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो इधर जश्न में डूबी बीजेपी का कहना है कि 2023 के इस सेमीफाइनल ने 2024 के फाइनल का भी आगाज कर दिया है। चुनाव परिणाम भले ही चार राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के निकल रहे थे, लेकिन उत्तराखंड में भी परिणामों को लेकर बेसब्री बनी हुई थी। नवंबर में हुए पांच राज्यों के चुनाव में कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत, गणेश गोदियाल और काजी निजामुद्दीन को अलग अलग राज्यों में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो बीजेपी से बतौर स्टार प्रचारक खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में धुआंधार प्रचार किया था, तो कई मंत्री और कार्यकर्ता भी इन राज्यों में डटे हुए थे। रविवार को जैसे जैसे रुझान आने शुरू हुए, कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटा पसरता चला गया, तो बीजेपी जश्न में डूब गई। कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने सीएम धामी भी पार्टी कार्यालय पहुंच गए। अपने मन की बात बता दी है कि 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर सरकार दोबारा बनी है, रिपीट हुई है, ये सुशासन की जीत है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कांग्रेस की विदाई हुई है, जनता ने तुष्टीकरण, परिवारवाद और सनातन के खिलाफ अपना मत दिया है। पार्टी का तंत्र, मोदी जी का मंत्र और जनता में विकास का विश्वास, ये बहुत बड़ी जीत है। आज देश के अंदर जो विकास कार्य हो रहे हैं, लोगों ने उसको विकास पर मोहर लगाई है और मैं कह सकता हूँ अब जातिवाद, अर्थवाद की राजनीति होकर देश के अंदर मोदी जी ने विकासवाद की राजनीति का श्री गणेश किया। उसी चुनाव नतीजों ने यूं तो पूरी कांग्रेस को ही सोचने पर मजबूर कर दिया है। उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर लीडर और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि ये कांग्रेस की चुनावी मशीनरी के लिए बड़ा झटका है। हरीश रावत कहते हैं कि कांग्रेस को जल्द इस हार का विश्लेषण करना चाहिए ताकि लोकसभा चुनाव से पहले स्थिति को संभाला जा सके। हमारी जो चुनावी मशीनरी थी उसके लिए एक झटका है। हम इसीलिए मैंने कहा कि हमको इस सारी चीजों पर एक गहराई से विवेचन करना पड़ेगा और ये जल्दी करना पड़ेगा ताकि 2024 के चुनाव से पहले यदि कुछ करेक्टिव स्टेप हम उठा सकते हैं तो करेक्टिव स्टेप उठाएं। बहरहाल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों ने उत्तराखंड बीजेपी को भी उत्साह से भर दिया है। उत्तराखंड कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक दो उपचुनाव में भी हार का सामना कर चुकी है। ऐसे में ताजा चुनाव परिणामों से पार्टी वर्कर्स में उपजी हताशा 2024 के महासमर में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर आज धामी कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है। सचिवालय में 12:30 बजे ये मीटिंग होगी और इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर कई प्रस्ताव यहां पर लाए जा सकते हैं। सर्विस सेक्टर पॉलिसी में संशोधन का प्रस्ताव आ सकता है। आपदा प्रबंधन, गृह उद्योग से जुड़े भी कई प्रस्ताव आ सकते हैं। सुनील नवप्रभात फोनलाइन पर जुड़ गए ज्यादा बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। सुनील, आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है कैबिनेट की, क्या कुछ प्रस्ताव लाए जा सकते हैं यहाँ पर? देखिए, 12:30 बजे से सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। चूंकि उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट है, एक बड़ा आयोजन है, ग्लोबल इवेंट है, इसी के मद्देनजर ये जो आज की कैबिनेट है उसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैबिनेट से जुड़े, इन्वेस्टर समिट से जुड़े कई मुद्दे इस मीटिंग कैबिनेट में आ सकते हैं, खासकर
जो सर्विस सेक्टर पॉलिसी है जिसको सरकार अभी करीब एक महीने पहले ही इस पॉलिसी को लाई थी, इसमें एक बार फिर से संशोधन का प्रस्ताव आज कैबिनेट में आ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे तमाम उद्योगपतियों से सरकार ने बातचीत की, जगह जगह इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया, उसमें जो सुझाव मिले उन सुझावों का इम्प्लीमेंटेशन इसमें किया जा सकता है, ताकि जो नीतियां हैं उनको उद्योगों के अनुरूप बनाया जा सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना का भी एक प्रस्ताव आ सकता है, साथ ही जो विभिन्न विभाग हैं, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन विभागों से जुड़े कुछ प्रस्ताव आज की कैबिनेट में आ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका सुनील और प्रभात। देहरादून से एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर पूरे उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है और पूरे प्रदेश में देर रात से हल्की बारिश के साथ मौसम बदला है। गढ़वाल के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी भी हुई है, कुमाऊं में देर रात हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट और पूरे प्रदेश में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। चलिए सीधा रुख करते हैं, शैलेंद्र नेगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं हल्द्वानी से। शैलेंद्र, हल्द्वानी में इस वक्त मौसम कैसा है, क्या कहता है मौसम का मिजाज, ये भी बताइएगा, और पूरे प्रदेश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। देखिए, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि यानी आज सोमवार के दिन जो है पूरे प्रदेश में बादल छाए रहेंगे और जो ऊंचे इलाके हैं विशेष तौर पर गढ़वाल और कुमाऊं के, वहां पर बर्फबारी रिकॉर्ड की जा सकती है। और ये पूर्वानुमान एक तरीके से सच साबित हुआ है, जो गढ़वाल के ऊंचे इलाके हैं, चमोली के जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हुई है। उसके अलावा जो पिथौरागढ़ के बिल्कुल ऊपरी सीमांत इलाके हैं, जो हमारे नेपाल और चीन सीमा से सटे हुए, उन इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। तो ऐसे में जो मौसम का पूर्वानुमान है वो तो सच साबित हुआ है, और जो मैदानी इलाके हैं और जो पहाड़ के अन्य जिले हैं वहां पर भी देर रात से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। और मेरे पीछे अगर आप देखें तो एक तरीके से घने बादल आसमान में समय छाए हुए हैं और ठंड जो है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि पहाड़ में इस बार ठंड काफी देरी से आई है और ये दिसंबर का महीना दस्तक दे चुका है, और ऐसे में ठंड का अब दस्तक देना, अब थोड़ा सा अब लोग अपने गर्म कपड़े निकालने लगे हैं, जो तैयारियां लोगों ने नवंबर से शुरू की थी अब वो दिसंबर पे वो गर्म कपड़े अब लोगों के जो पुराने रखे हुए हैं या फिर नई खरीदारी है वो भी होने लगी है। तो ऐसे में जो मौसम है वो लगातार अब करवट बदल रहा है, और ऐसा ही पूर्वानुमान अगले दो दिनों तक मौसम विभाग ने लगाया कि इस तरीके का मौसम अगले दो दिन तक पूरे उत्तराखंड में बना रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आपने विस्तार से जानकारी दी। और आगे बढ़ते हैं, अब रामनगर के कानिया में बाघ का आतंक लगातार जारी है। अभी तक चार मवेशियों को मार चुका है बाघ और ग्रामीणों में कॉर्बेट प्रशासन के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। कॉर्बेट प्रशासन को बाघ को ट्रैकुलाइज कर पकड़ने की अनुमति मिली। बाघ का ये खौफ कानिया के साथ ही हाथी डगर में भी देखा गया। गोविंद पाटनी लाइव जुड़ चुके हैं रामनगर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। गोविंद, ये कोई पहली बार नहीं है कि बाघ का आतंक किस तरीके से ग्रामीण इलाकों में देखा गया हो, अभी फिलहाल क्या कुछ किया जा रहा है वन विभाग की ओर से बाघ को ट्रैकलाइज करने के लिए? देखिए, हाथी डगर से लेकर कानिया तक ये बाघ की मूवमेंट काफी हो रही है, क्योंकि हाथी डगर में एक महिला की को ये मौत के घाट भी उतार चुका है, इसके अलावा कई लोगों को घायल कर चुका है। कानिया में इसने लगातार कुछ दिनों के बीच में चार मवेशियों को अपना निशाना बनाया है, जिसमें चारों मवेशियों की मौत हो गई, जिससे ग्रामीणों में काफ़ी गुस्सा है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरह से बाघ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहा है, उसको लेकर के उनका गुस्सा कॉर्बेट प्रशासन और वन विभाग के खिलाफ है, और इसके लिए वन विभाग अभी वर्तमान में वहाँ पर गश्त कर रहा है। कॉर्बेट प्रशासन और तराई पश्चिमी की दोनों की संयुक्त टीम वहाँ पर गश्त कर रही है। इसके अलावा उसको ट्रैंकुलाइज करने के लिए और उसको ढूंढने के लिए भी प्रयास चल रहे हैं कि वो ऐसी जगह पर उन्हें दिखाई दे जिससे उसे ट्रैंकुलाइज किया जा सके। साथ में कैमरा ट्रैप वहाँ पर लगाए गए हैं जिससे कि उसकी मूवमेंट पर नज़र रखी जा सके। कुल मिलाकर के वन विभाग अपनी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है, देखना है कि ये कब तक इसको पकड़ के इस प्रॉब्लम को वहाँ से दूर किया जा सकेगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका गोविंद पाटनी। आगे बढ़ते हैं, रामनगर में सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। कालाढूंगी के पास प्रिया बैंड पर टेम्पो ट्रेवलर पलट गया, जिसकी वजह से दो लोगों की जान चली गई। हादसे में 20 लोग घायल हो गए और ये सभी लोग नोएडा से नैनीताल घूमने आए थे, और जब से ये लोग पंकोट से लौट रहे थे तभी नैनीताल कालाढूंगी रोड पर प्रिया बैंड के पास गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और गाड़ी पलट गई।
इनका वाहन जब वापस जा रहा था तो घटघर से ऊपर प्रिया बैंड के पास इनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इसमें 22 लोगों में से 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है, 2 लोगों को चोट आई है जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। हल्द्वानी में प्रशासन ने अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की है। सुशीला तिवारी अस्पताल के करीब वन भूमि में बनी 40 से ज्यादा दुकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में सालों से बनी दुकानों को तोड़ा गया। आपको बता दें कि दुकानदारों को पहले ही दुकानें खाली करने का आदेश दे दिया गया था, लेकिन ये दुकानें खाली करने को तैयार नहीं थे, इसलिए प्रशासन ने रविवार को बुलडोजर के जरिए सभी अतिक्रमण जमींदोज कर डाले। बीजेपी विधायक और सिद्धबलि मंदिर के महंत दिलीप रावत ने कोटद्वार में तैनात परिवहन अधिकारी हरीश सती पर अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं। विधायक का अधिकारी को धमकाने का वीडियो वायरल हो रहा है, तो वहीं अब विपक्ष ने इस बहाने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता अनुकृति गुंसाई ने कहा कि बीजेपी विधायक अधिकारी पर अवैध वसूली के आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और जब एक जनप्रतिनिधि जो खुद को महंत कहते हो, तो मैं सोचती हूँ उसकी उनकी पद की उस गरिमा को भी ये शर्मसार करता है। और जिस तरीके से वो सफाई दे रहे हैं कि ये बदतमीजी इसलिए हो गई कि जो अधिकारी जो था वो अवैध वसूली कर रहा था, तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है आज भाजपा की सरकार पर कि क्या आज उत्तराखंड में भाजपा की सरकार इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार में लीन है, इतनी डूबी हुई है, उनके अधिकारी जो हैं वो इतने बेलगाम हो गए हैं कि अब विधायक के लोगों को भी वसूली के लिए नहीं छोड़ रहे। इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शमी रविवार को हरिद्वार पहुंचे और ऋषिकुल मैदान में समर्थकों ने मोहम्मद शमी का जोरदार स्वागत किया। वहीं उनके साथ सेल्फी लेने के लिए भी उनके समर्थकों ने सारा कार्यक्रम यहां पर बिगाड़ दिया। सेल्फी लेने वाले समर्थकों ने आलम यह कि समर्थक मंच पर चढ़ गए और उतरने का नाम तक नहीं ले रहे थे। व्यवस्था को बिगड़ता हुआ देखकर मोहम्मद शमी ने कुछ समर्थकों के सवालों का ही जवाब दिया और कार्यक्रम को बीच में छोड़कर चले गए। भूकंप के लिहाज से संवेदनशील उत्तराखंड में अब अर्थ एंड साइंस डिपार्टमेंट भूकंप के आने से 40 से 50 सेकंड पहले मोबाइल पर सिग्नल दे सके, इस तकनीक पर काम किया जा रहा है। और इस साल उत्तराखंड में 15 से ज्यादा बार अलग अलग जगह पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ऐसे में अर्थ एंड साइंस डिपार्टमेंट को भी जरूरत महसूस होने लगी है। हालांकि उत्तराखंड में इससे पहले IIT रुड़की की तरफ से आपदा प्रबंधन विभाग भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च कर चुका है, जो कि भूकंप आने पर 30 सेकंड पहले मोबाइल पर सिग्नल भेजते हैं, लेकिन अर्थ एंड साइंस डिपार्टमेंट नए ऐप को लाने पर काम कर रहा है। अर्थक्वेक प्रेडिक्शन के जो हमारा एक जो कोशिश है, ये अभी तो कोई दुनिया में किसी के पास किसी भी राष्ट्र को ये कामयाबी नहीं मिला कि हम भूकंप को प्रेडिक्ट कर सके, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कम से कम उसका जो स्टडी है, काफ़ी डेप्थ में स्टडी हो रहा है, तो कुछ सेकंड या कम से कम 30-40 सेकंड पहले भी अगर भूकंप आने से पहले जो गतिविधि होते हैं उसका रिसर्च और स्टडी चल रहे हैं, वो अगर हम पता लगा सके तो हम समय पे अवगत कर सके, लोगों को बता सके कि भूकंप आने वाला है। जोशीमठ इंटर कॉलेज चौराहा से मारवाड़ी पुल तक 8 किलोमीटर सड़क को डबल लेन करने का काम शुरू हो चुका है। BRO ने निजी कंपनी को इस सड़क को डबल लेन बनाने का काम शुरू कर दिया है और इस सड़क के डबल लेन बनने से चारों धाम में आने वाले तीर्थ यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। जाते जाते एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। अल्मोड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 3 राज्यों में ऐतिहासिक जीत मिलने पर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और आतिशबाजी की।
तीन राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद नैनीताल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। बीजेपी कार्यकर्ता नैनीताल के रामलीला मैदान में जमकर आतिशबाजी करते दिखाई दिए। रुड़की में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर तीन राज्यों में बीजेपी की बंपर जीत की बधाई दी। विकासनगर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तीन राज्यों में प्रचंड जीत का जश्न मनाया। कोटद्वार पहुंचे कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश में बन रही सुरंगों पर सवाल खड़े किए और कहा कि उत्तरकाशी जैसे हादसों से निपटने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। बागेश्वर के पंत क्वेराली गांव के जंगल में एक ग्रामीण का संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता शव मिला। पुलिस ने कहा है कि मामला आत्महत्या का लग रहा है। बद्रीनाथ हाईवे पर एक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई जिससे दो लोग घायल हो गए जिन्हें रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल ले जाया गया। पौड़ी पुलिस की साइबर सेल की टीम ने 14 लाख रुपए के खोए हुए 64 मोबाइल बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने सभी 64 मोबाइल फोन उनके स्वामियों को लौटा दिए हैं। कोटद्वार में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सिलक्याला टनल में फंसे गबर सिंह नेगी को उनके आवास में सम्मान किया और इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने उन्हें पहाड़ी व्यंजन भी अरसे भेंट किए। हरिद्वार में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिता की शुरुआत की। धन सिंह रावत ने खेल प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे छात्रों को भी शुभकामनाएं दी।